दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग बहुत ही आसान तरीके से जान सकते हैं आप लोगों का जो YT स्टूडियो एप्लीकेशन है, ये वाला एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग जान सकते हैं कि आप लोगों का जो वॉच टाइम है, आप लोगों के जो मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के लिए जो 4000 वॉच टाइम चाहिए होता है, तो वो वॉच टाइम आप लोगों का कंप्लीट हुआ कि नहीं, कितना अभी बाकी है आप लोग कंप्लीट होना, ये आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं। बहुत लोगों को ये पता है कैसे चेक करते हैं, और अगर आप लोगों को नहीं पता तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग जान सकते हैं आप लोगों का कितना आवर्स कंप्लीट हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए पहले तो आप लोगों को जो YT स्टूडियो है, ये वाला YT स्टूडियो आप लोग के मोबाइल पर होना चाहिए। जो यूट्यूबर्स है, जो वीडियोस क्रिएटर है, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं, उसके पास YT स्टूडियो होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन है YT स्टूडियो। तो ये वाला एप्लीकेशन आप लोगों को यहाँ पर ओपन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने ऐसा कुछ इंटरफेस निकल कर आएगा। यहाँ पर आप लोगों को दिखने में आया ऊपर सब्सक्राइबर्स, यहाँ पर वॉच टाइम, व्यूज़ यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहा है। तो अभी मेरा जो सब्सक्राइबर्स है 839 हुआ है। अभी बहुत कम सब्सक्राइबर चाहिए मुझे 1000 होने के लिए। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हमारा भी 1000 सब्सक्राइबर्स बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप लोग वॉच टाइम कितना हुआ है आप लोग कैसे जान सकते हैं। तो पहला तो एक ऑप्शन आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे एक मोनेटाइज एक ऑप्शन है आप लोगों को, एक कॉर्नर पे, ये वाला राइट कॉर्नर पे एक ऑप्शन आप लोगों को दिखाई जा रहा है। यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर आप लोग क्लिक करते ही देख सकते हैं यहाँ पर 3742 यहाँ पर मेरा जो वॉच टाइम है यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, और ज़्यादा नहीं चाहिए 4000 होने के लिए। और यहाँ पर सब्सक्राइबर्स आप लोगों को देख सकते हैं, ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर मैं मोनेटाइजेशन का अप्लाई मैं कर सकता हूँ। तो दूसरा एक तरीका है, यहाँ पर आप लोग एनालिटिक पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं व्यूज़, और यहाँ पर आप लोग राइट स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर वॉच टाइम आप लोगों को दिखाया जाएगा। 409 वॉच टाइम मेरा हुआ है अभी लास्ट 28 डेज पर। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाया जाएगा लास्ट 28 डेज पर। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को पता होगा यूट्यूब 365 डेज का वॉच टाइम जो है वो काउंट करता है। अगर 365 डेज पर आप लोगों का वॉच टाइम 4000 हो गया तो आप लोगों का चैनल मोनेटाइज होगा। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली क्लिक कर दीजिए, और आप लोग कैसे देख सकते हैं 365 डेज पर आप लोग कितना वॉच टाइम हुआ है। तो आप लोग ऊपर यहाँ पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर लास्ट 365 डेज पर यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3800 यहाँ पर आप लोगों को वॉच टाइम जो है यहाँ पर शो हो जाएगा। दोस्तों यही है जो वॉच टाइम आप लोगों को चाहिए होता है, जो 4000 वॉच टाइम चाहिए होता है। तो यहाँ पर 3800 यहाँ पर वॉच टाइम हुआ है अभी। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर वीडियोस अपलोड करते रहना होगा, और जो है वीडियोस वायरल होने के बाद यहाँ पर वॉच टाइम 4000 बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है। इस चैनल पर मैं बहुत कम वीडियोस अपलोड करता हूँ, मेरा दूसरा चैनल पर बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड करना पड़ता है, इसलिए इस चैनल पर थोड़ा कम मेरा जो टाइम है वो दे रहा हूँ। इसके लिए मेरा अभी तक 4000 नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही जल्दी हो जाएगा आप लोगों का सपोर्ट मिला तो। तो वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारा वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिएगा, ताकि हमारा भी जो 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो सके। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को मालूम पड़ा है कि कैसे आप लोग 4000 वॉच टाइम आप लोग कंप्लीट हुआ कि नहीं, आप लोग कैसे देख सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा, ताकि आगे भी ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियोस मैं लाता रहूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।